नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक आवाज। मैं हूं दामोदर मिश्रा। बड़ी खबर, नहीं रहे सीडीएस बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी हेलीकॉप्टर में सवार थी। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने भी दुख जताया है। आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ था। हादसे पर दुख जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से निस्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से व्यथित और दुखी हूँ, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताते हुए कहा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। वह सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे गहरा दुख हुआ है। दुखद हादसे पर रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं घटना पर देश के अन्य नेताओं ने भी दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घटना पर दुख जताते हुए लिखा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी हार्दिक संवेदना। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। इसके अलावा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख जताते हुए भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि यह दर्दनाक हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास बुधवार दोपहर को हुआ था। जिस समय जिस हेलीकॉप्टर के साथ यह हादसा हुआ वो भारतीय वायुसेना का MI-17V5 था। डबल इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत सवार थे, जिनकी इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए भारतीय वायुसेना हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत ने पायलट ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। तो दोस्तों, अगर नमस्कार।